हिजबुल्ला पर इसराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। साउथ लेबनान में मची सबसे बड़ी तबाही। 36 घंटे में 340 हमलों से हिजबुल्ला बेदम। हिजबुल्ला की कब्र खोदकर ही मानेंगे नेतन्याहू। जिस दिन नसरल्ला का दम निकला उसी दिन से हिजबुल्ला के लिए हर रात कयामत की रात बीत रही है। सुबह सवेरे, दिन दोपहर, शाम रात, किसी भी पहर हिजबुल्ला के लड़ाकों पर इसराइल के बम बरस पड़ते हैं। मौजूदा वक्त में लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला का कोई भी ठिकाना महफूज नहीं है। हिजबुल्ला के लड़ाके भी यही मानकर चल रहे हैं कि जब उनका आका नसरल्ला जमीन के 60 फीट नीचे होने के बाद भी नहीं बच पाया तो उनके बचने की गारंटी 0% है। इस बार इसराइल ने भी हिजबुल्ला के खिलाफ अपना वॉर पैटर्न बदला है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल एक दो नहीं बल्कि एक एक ठिकाने पर एक साथ दर्जनों बम बरसा रहा है जिससे वहां मौजूद हिजबुल्ला का एक भी लड़ाका जिंदा न बच पाए। बीती रात बेरूत के दहिया इलाके में IDF ने बम बरसाकर पूरे इलाके को धुआं धुआं कर दिया। लेबनान से सिर्फ News 18 इंडिया दिखा रहा है आपको रियल ग्राउंड जीरो कवरेज। News 18 इंडिया उन शोलों के बीच में अब तक गई है जहां पर ये रॉकेट्स गिरते हैं, जहां पे ये रॉकेट तबाही करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर कैमराज जो हैं 24 घंटे ऑन रहते हैं और इन्हीं में कैद होती है वो सारे एक्शन जो यहाँ पे रॉकेट्स गिरते हैं और उसके बाद आग लग जाती है, धुआं निकलता है। खबर है कि बीते 36 घंटों में इसराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में 340 हमले किए गए। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के स्ट्रैटेजिक वेपन पर ये स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्ला ने इन हथियारों को एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी में छिपाया था। इस दौरान हरेत अल हरीक इलाके में जोरदार धमाके देखे गए। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार है लेबनान में और यहाँ पर रात के दौरान फिर से दहिया दहल उठा। लगातार वहाँ पे रॉकेट्स और मिसाइल से हमला किया गया। इसराइली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स की और फिर से दहल उठा है दहिया। दहिया में पहले जो अटैक हुआ था उसमें हिजबुल्ला के चीफ सैयद हसन नसरुल्ला की मौत हुई थी और उसके बाद जगह जगह पे अटैक्स हो रहे हैं और कुछ दिनों से इसराइल की तरफ से इंटेंसिफाई किए गए हमले और हिजबुल्ला की तरफ से भी लगातार इसराइल पर हमला किया जा रहा है। इन दिनों पूरा लेबनान सुलग रहा है, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत और इसराइल की सीमा से लगा दक्षिणी लेबनान का इलाका। इसराइल का दावा है कि इन्हीं दो इलाकों में हिजबुल्ला के सबसे ज्यादा कमांड सेंटर, आर्मी बेस, वेपन स्टोरेज और सेफ हाउस बने हैं, इसलिए IDF की बमबारी भी इन्हीं दो इलाकों पर हो रही है। ये कहा जा सकता है कि इसराइल दहिया को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है क्योंकि हिजबुल्ला का गढ़ रहा है ये दहिया। यहाँ पे हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स रहते थे और अब ये फिर से जल रहा है। दहिया इलाके पे फिर से इसराइली फोर्सेस ने अटैक किया। रात के दौरान भी बमबारी हुई, सुबह सवेरे बमबारी हुई और इस वक्त शोले भड़क रहे हैं दहिया में। दुनिया के कई देशों को चिंता है कि लेबनान अगला गजा बनने जा रहा है जहां लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल पर सीजफायर करने का दबाव बनाया जा रहा है। खुद लेबनान के प्रधानमंत्री UN में सीजफायर की गुहार लगाने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसराइल रुकने वाला नहीं है और न ही किसी के दबाव में आने वाला है। इस वक्त दुनिया की कई देशों की त्योरियाँ इसराइल के प्रधानमंत्री पर चढ़ी हुई है। 5 अक्टूबर को अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लगी इन तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में इसराइल के प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल बताया गया है। उन पर लेबनान और गजा में बेरहमी का आरोप लगाया गया है और इसी आधार पर दुनिया के कई देश बेंजामिन नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि उनके ऊपर किसी दबाव का कोई असर नहीं होने वाला है, यानी जब तक इसराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएगा तब तक नहीं रुकने वाला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई बातचीत के दौरान नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि हम एक तरफा युद्ध विराम के खिलाफ हैं क्योंकि इससे लेबनान में सुरक्षा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा बल्कि ये स्थिति पहले जैसी ही हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसराइल ये भी कह चुका है कि वो युद्ध के मसले पर अमेरिका की राय तो सुनेगा लेकिन फैसला राष्ट्रीय हित के आधार पर लेगा।
इसका मतलब यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स वही करेगी जो यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई में जरूरी है, और यही बात नेतन्याहू ने एक साल पहले ही गाजा में ऑपरेशन स्वॉट शुरू करने से पहले कही थी कि ये इजराइल और यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई है जिसे इजराइल जीतकर ही मानेगा, और जीतने का मतलब है हमास और हिजबुल्ला का संपूर्ण सर्वनाश।